रेस 3 के लिए तैयारी करती जैकलीन फर्नांडिस इन नई दिल्ली। जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों बॉलीवुड में जमकर तहलका मचाए हुए हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उनके स्पेशल नंबर फिल्मों की जान बने हुए हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल बागी 2 में उनका 1, 2, 3 सॉन्ग है, जिसमें जैकलीन ने जबरदस्त डांस किया है और गाना काफी पॉपुलर भी रहा है। इन दिनों जैकलीन रेस 3 के लिए खूब प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रैक्टिस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक बहुत ही मुश्किल स्टेप की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। पहले यह स्टेप उनसे नहीं होता है और गिर जाती है, लेकिन उसके बाद बहुत ही परफेक्शन के साथ वे इसे अंजाम देती हैं। इस पर सब तालियां भी बजाते हैं। इस स्टार डॉटर ने किया एलियन के साथ डांस कॉम्पिटिशन वीडियो वायरल। एक्ट्रेस ने शेयर किया टूथ ब्रश करते हुए वीडियो। ट्रोल होने पर कर दी बोलती बंद जैकलीन फर्नांडिस रेस 3 में सलमान खान के साथ नजर आएंगी। इससे पहले वे सलमान खान के साथ किक में नजर आ चुकी हैं और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। खबरें आ रही हैं कि किक 2 के सीक्वल पर भी जल्द ही काम शुरू होने वाला है और इसके लिए भी जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी चल रहा है। आलिया की राजी का ट्रेलर देखकर सीटियां बजाने लगे पापा महेश भट्ट। मम्मी का हुआ ये हाल। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने 2014 में फिल्म किक के प्रसिद्ध गीत जुम्मे की रात के साथ हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया था और अब सुनने में आ रहा है कि ईद पर रिलीज हो रही फिल्म रेस 3 के साथ एक बार फिर सलमान और जैकलीन जनता को अपनी धुन पर नचाने के लिए तैयार हैं। फिल्म प्रोडक्शन यूनिट के करीबी सूत्रों के मुताबिक सलमान फिल्म में अपने गाने को उतना ही स्पेशल बनाना चाहते हैं जितना जुम्मे की रात था। जमानत मिलने के 2 दिन बाद सलमान खान हुए इमोशनल। लिखा मुझ पर उम्मीद न खोने के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही फिल्म में सलमान और जैकलीन पर 2 गाने फिल्माए जाएंगे, जिनमें से एक की शूटिंग पूरी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जैकलीन के साथ फिल्माए जाने वाले रेस 3 के गानों पर सलमान विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक एंटरटेनर होने के नाते सलमान ने हमेशा प्रत्येक फिल्म के साथ 4 बस्टर दिए हैं। वीडियो। जोधपुर से मुंबई पहुंचे सलमान खान। और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों खबरें। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें। ट्विटर पर फॉलो करें।